ओके सो लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार अपन को काफी लेट हो गया है, थोड़ा सिटी में काम था। काम कराने के बाद अपन निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। सो इट्स गोना बी नियर अबाउट 30-40 किलोमीटर्स राइड, टू बी एग्जैक्ट 40 किलोमीटर्स का टोटल राइड होगा। और मैं बाइक को सुबह से लेके घूम रहा हूँ काम कराने के लिए, कि काम सारा कंप्लीट करें और निकले गांव। आज अपन सारा काम वाम करा के अपन गांव की तरफ निकल चुके हैं। तो एक हफ्ते के लिए अपन जा रहे हैं गांव अपने, और ये आ गए अपन लोग कानपुर झांसी हाईवे पे। राइड को इंजॉय करते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने न्यू DJI Osmo Action पे। तो ऑफिशियली ये DJI Osmo Action का पहला वीडियो होने वाला है। जो ये भयानक गर्मी और कोविड एक साथ हो रहा है, गॉड सेव अस। क्या होगा आने वाले टाइम में पता नहीं यार, क्या भयंकर गर्मी। और बचा कुचा तो कोविड ने ले रखी है। और भाई GT चलाने में तो नेक्स्ट लेवल की गर्मी लगती है, क्योंकि जो नीचे से गर्म गर्म ब्लोअर वाली हवा आती है ना, आय हाय 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 जला देती है। तो वो तो है ही यार, 60 की स्पीड पे चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और 120 130 ऑलमोस्ट तो आज काफी दिन बाद यार GT निकाली है। नियर अबाउट एक मंथ हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोगों को मे भी ये फील ना हो, बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया, शूट कर लिया और रख लिया, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं उसको एडिट कर पाऊँ। तो कभी कभी इसको एडिट करके वापस डालने में मेरे को कभी एक हफ्ता, कभी दो दिन, कभी इवन महीना भर भी लग जाता है। तो जब मैं वापस कानपुर गया था नियर अबाउट एक महीने पहले, तब के वो वीडियोस हैं जो अभी एडिटिंग में पड़े हुए हैं। अभी भी मैं उनको कंप्लीट एडिट नहीं कर पाया हूँ। ये भाई GT में ओवरटेक करने का मजा ही अलग है। और मैं भी यार जल्दी जल्दी में जैकेट पहनना भूल गया, और कुछ माइंड में था कि गर्मी बहुत है। आई मेड अ मिस्टेक, लेट्स होप कि ये मिस्टेक मेरे को रिग्रेट ना करनी पड़े। गर्मी बहुत है, बट अब इसी स्पीड में यार गर्मी कम लग रही है, क्योंकि हवा बहुत आ रही है। बस प्रॉब्लम हो रही है नीचे से जो ब्लोअर चल रहा है ना नीचे इंजन के पास से, वो थोड़ा सा। बट आई थिंक अब इंजन इतनी स्पीड में ठंडा होने लगा है। आज अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ने का मूड है यार, 150 चली जा, 150 के आगे निकल जाए, क्योंकि मैंने 150 तक ये बाइक चलाई है। और प्रॉब्लम ये हुआ 150 पे, जिस दिन मैंने 150 चलाई थी उस दिन बेसिकली कैमरे में नहीं आ पाया, क्योंकि कैमरा मेरा ये Osmo Action तो था नहीं, टीवी पान था, तो गिम्बल भाई गिम्बल के भरोसे नहीं है। कभी कभी बहुत तगड़ा फुटेज देता है और स्टेबलाइज करके फुटेज दे देगा, और कभी कभी इतना शेकी कर देगा कि पूछो नहीं यार, मतलब सारा मूड खराब हो जाएगा। क्योंकि गिम्बल हॉरिजन एक बार गिम्बल ने खो दिया तो उसका वापस अपनी जगह पे आना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। काफी सही आ गए हैं। Shit.
Squid wants to race, guys. I don't think so, he's gonna touch us because we are crossing 120 or I think extreme usko upar ja nahi sakti hai. Bahut acha hai yaar teenagers ka enthusiasm. Yaar ye road hamesha khali milta tha, main socha tha ye road khali milega to ek tagdi speed create kar, ek tagdi speed achieve karenge aur khatak se you know like ek acha launch milega aur एक निक्का की स्पीड पकड़ेंगे यहाँ पे. बट इधर आज बहुत भरा हुआ है, पता नहीं आज आज मेरे को सिटी साइड बहुत ट्रैफिक मिला इसलिए मेरे को बहुत लेट हो गया. तो अपना रिकॉर्ड 150 का या तो उसको वापस कैमरे में रिकॉर्ड कर लें, कैप्चर कर लें, और या तो नया रिकॉर्ड बनाए 160, 170, 155 एनीथिंग. आज आई थिंक 130, 140 अपन ने अचीव कर लिया, दैट्स ग्रेट. और ये मिला भाई लॉन्च, ये है जीटी वाला लॉन्च. कसम से यार बाइक्स मैंने कई चलाई हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ सफिशियंट कई टाइप्स की बाइक चलाई हैं. टू बी ऑनेस्ट मेरी पहली 650 cc की बाइक है ये, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस की उससे पहले मैंने कभी 650 cc किसी की बाइक नहीं चलाई. मैक्सिमम 390 उसके ऊपर कुछ नहीं चलाया मैंने. तो जो ये फील आता है ना यार, ये टार्की वाला मजा आ जाता है कसम से. 120-140 से भी जो बाइक आपको खींचती है कि मतलब तो लगता है यार आप कंट्रोल में हो, पूरा एकदम फ्री रोटेशन वाला कमाल नहीं होता है. आई थिंक अल्लाहीपुर पहुंचने के करीब है. आज आज मेरे को क्लियर हो गया यार कॉम्पास स्टीयरिंग का कि अगर आपको राइट मोड़ना है तो आपको हैंडल लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, और अगर आपको लेफ्ट मोड़ना है तो हैंडल राइट घुमाना पड़ेगा. तो आई एम नॉट श्योर कि बहुत लोग जानते हैं, जितने आई थिंक जितने भी लोग राइडर्स हैं उनको कॉम्पास स्टीयरिंग का आइडिया होगा. मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ये कॉम्पास स्टीयरिंग का सुना था कि हम लोग यूज़ करते हैं बट हम लोग कभी ध्यान नहीं देते. एक्चुअली ये हैबिट में रहता है बाइक चलाते चलाते. तो सीन कुछ ऐसा है कि जब आप स्लो चल रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं होगा, बट जैसे ही आप 40-50 के ऊपर की स्पीड अचीव करते हो तो आप अगर अपनी बाइक को लेफ्ट जाना है तो उसको राइट मोड़ोगे, क्योंकि वो बाइक खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है. अरे उसके पीछे काफ़ी सारी फिजिक्स है, वो किसी और दिन मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूँगा. देखो अगर मैं इसको इधर मोड़ूंगा तो देखिए ये इधर जाएगी. देखिए देखिए इसको कॉन्टेस्ट स्टीयरिंग कहते हैं कि अगर आप एक अच्छी बाइक की 40-50 की स्पीड के ऊपर अगर आप उसको जिस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेंगे उसके अपोजिट मुड़ेगी. तो ये कॉन्टेस्ट स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट है. मोस्टली हम लोग लीन करते हैं अगर बाइक मोड़नी होती है. और हम लोग आ गए हैं नवीपुर, आई मीन ऑलमोस्ट आ गए हैं. बहुत सही आ गए यार, बहुत मस्त चले, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए. 40 किलोमीटर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला. और सच में ना यार यही बाइक राइडिंग का फील होता है, दैट्स व्हाई आई लव माय जीटी, क्योंकि इस पे मेरे को ये जो टाइम है ना जर्नी का ये पता नहीं चलता. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं शोल्डर पेन एंड ऑल दैट, तो यार ये सारा खेल ना हैबिट स्किल और बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है यार कि कौन किस में कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं करता है. अब देखो मैं एकदम अपराइट बैठा हूँ, मतलब एकदम 100% अपराइट नहीं बट ओवरऑल 90% के आसपास अपराइट है, क्योंकि मैं बाइक में काफ़ी आगे की तरफ बैठता हूँ. मतलब मोस्टली वो इसका सीट पोस्चर ऐसे कि मैं थोड़ा सा और ऐसे मेरे को बैठना चाहिए कायदे से, बट अपन थोड़ा ऐसे बैठते हैं तो आप देखो व्यू में डिफरेंस देख पा रहे हो. खैर कोई नहीं, अपन आ गए और पता भी नहीं चला. वीडियो को धीरे से एंड करते हैं. मेरे को बताना आप लोग वीडियो कैसा लगा. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो.
और ये था ऑस्मो एक्शन का फुटेज। मेरे को बताना ये नया व्लॉगिंग सेटअप कैसा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।